जार मैदा, बेकिंग सोडा, फूड कलर, बेकिंग पाउडर, 2 eggs, रोज एसेंस, घी एंड शुगर। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने सब अंडों, दोनों अंडों को अच्छे से तोड़ना है एक बॉल में। ओके, इस तरीके से हमें इसे तोड़ना है। और अब इस अंडों को दूसरे मतलब एक बॉल में लेकर अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम दिखना चाहिए जितना इसे घुटना है। मैं भी इसमें डालूंगी घी या बटर। बटर जो है वो पूरा पिघला होना होना चाहिए। और फिर मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हाँ, एक टिप है केक बनाते वक्त कि जिस डायरेक्शन में आप इसे मिक्स कर रहे हो तो वही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो एक कौन सी भी आपको कंफर्टेबल एक डायरेक्शन लो और उसी डायरेक्शन में उसे अच्छे से मिक्स करो। हाँ, तो अब तब तक हम क्या करेंगे इस जो हमारे बेकिंग पाउडर है ना, उसे 2 चम्मच लेंगे और हमारा जो मैदा है ना उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर अच्छे से डाल देंगे हम इसमें। ओके, तो अब ये है मेरे बेकिंग पाउडर। और अब मैं मेरा चम्मच की साइज़ दिखा रही हूँ। आपका अगर बैटर मेरे जितना ही है तो आप वही चम्मच ले सकते हैं। और अब मैं डालूँगी बेकिंग सोडा की, जो मैं 1/2 टेबल स्पून डालूँगी। कोई भी मेजरमेंट हो, सोडा उतना ही डालना चाहिए, नहीं तो खाते समय हमारे माउथ में कुछ करंट आ जाता है अगर हमने ज़्यादा डाला। तो अब हम आते हैं केक की बैटर की तरफ। और मैं वही सेम चम्मच की मेजरमेंट से पूरी 1 टेबलस्पून रोज़ एसेंस डालूँगी। आप चाहिए तो कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, मेरे पास जो एसेंस है मैं आपको उसकी नाम डाल दूँगी। और चाहिए तो इसमें वीडियो में इसका पिक्चर भी आपको दिखा दूंगी कि मेरे एसेंस क्या है। अब मैं इसमें डालूंगी मैदा की जो कंटेन करता है हमारा बेकिंग पाउडर और सोडा, हमने जो डाला था ना मैदा में वो वाला ही इसमें डालना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, ये करीबन 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच है ना जिसमें से नाश्ता करते हैं, वो 2 बड़े चम्मच मैं दूध डाल रही हूँ। मेरा बैटर मैदा के वजह से, और शुगर पाउडर थी, मैदा था तो उसकी वजह से तो वो थोड़ा सा थिक हो गया, तो मैंने इसमें अब दूध डाल दिया। इसे अच्छे से मिला देना।
अब मैं ग्रीसिंग कर लूँगी अच्छे से। तो अब मेरे पास ऐसा बर्तन है, सो ये प्रॉपर बेकिंग केक बेकिंग का बर्तन है। तो इसके नीचे की जो रेती की प्लेट होती है ना, उसे मैं अब थोड़ा सा कुकिंग पर रखूँगी 10 मिनट। और इधर मेरे पास दो कलर्स हैं, सो मैं इसे दूसरे वेसल में जो बैटर है उसे पोर कर लूँगी। और ये हैं येलो कलर और ये है केसरी कलर, जो बगल वाला था वो था केसरी कलर। तो अब मैं इसमें जो केसरी कलर है वो 1 चम्मच से थोड़ा कम डालूंगी। मैंने जितना दिखाया है आप उतना ही डालो, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। अगर आपका बैटर ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा मेजरमेंट अच्छे से देखकर उसमें कलर डाल देना। ज़्यादा मत डालना गाइस, कड़वा हो जाएगा। तो थोड़ा मिक्स करने के बाद उसे लाल कलर आ जाएगा। अब दूसरे इसमें भी मैं कलर डाल दूंगी। ये अगर आपको ऑरेंज दिख रहा है तो भी मिक्स करने के बाद देखो ये अच्छे से येलो हो गया। तो अब ये है मेरा केसरी और ये है मेरा येलो कलर, और मैंने वो अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मेरे पास दो कलर हैं, सो हाफ ईच साइड में। अब मैंने इधर केसरी डाला तो उधर मैं येलो कलर डालूंगी, और ऐसे ही मैं जितना है बैटर उतना फिल कर दूंगी अच्छे से ये बैटर पोर करके। और उसे थोड़ा सा शेक करना और डैप करना। अब मैंने बैटर गैस पर रख दिया है अच्छे से, और इसे 20 से 30 मिनट अच्छे से बेक होने के लिए रख देना। तो अब मैं इसे अच्छे से क्लोज कर दूंगी, और ये मेरा ऐसा वाला बैटर है, ऐसा वाला वेसल है। तो मुझे एक बार चेक करना होगा कि ये प्रॉपरली फिट हो गया है। और अब मैं आपको फ्लेम दिखाऊंगी कि ये कैसी है मेरी गैस की फ्लेम। तो देखो अब 5 मिनट के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए। इफ़ यू सी योर केक लाइक दिस देन ऑफ योर गैस। अगर आपने आपका केक ऐसा आपको दिखा तो उसे ऐसे ही ढके हुए ही रखना, ताकि जो नीचे की रेती हो वो फटाक से कूल हो जाए। थोड़ा देर होने के बाद, मतलब करीब 20 मिनट होने के बाद आपका केक आप चेक करो। मेरी नाइफ क्लीन आ गई थी इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया। एंड नाउ हमारा केक रेडी है। मैं उसकी स्पॉन्जीनेस दिखाती हूँ। आप देख ही सकते हो कि कितना स्पॉन्जी केक घर में बनाया है विथ सो मच ब्यूटीफुल कलर्स। और आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। These are the shavings. Bye guys, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।